दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके और भूकंप की तीव्रता इतनी तेज कि उत्तराखंड खटीमा तक पहुंचे हैं। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अंजलि राठी और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप लोगों का हमारे चैनल टीवी 100 में। दिल्ली और उसके आसपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों से धरती कांपने लगी। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने घरों से दफ्तरों से निकलने के लिए मजबूर हो गए। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा होने के कारण भूकंप उत्तराखंड के खटीमा तक पहुंच गया और इसके झटके बहुत जगह महसूस किए गए। तो चलिए जानेंगे यहाँ मौजूद लोगों से जिन्हें भूकंप को महसूस किया है। अभी काफी नुकसान भी हुआ जो इस भूकंप से बताया जा रहा, लेकिन अभी उसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है, तो आपको जुड़ते हैं, चलिए हम यहाँ मौजूद लोगों से। अच्छा, तो सर जब भूकंप आया 2:51 पे भूकंप की तीव्रता 6.2 देखने को मिली, जब आप कहाँ थे? हम उस समय कंप्यूटर लैब में, हमारी कॉलेज है उसमें हम क्लास कर रहे थे तब। तो सर उस समय कैसी सिचुएशन थी, क्या बताना चाहेंगे? हम लोग टीचर था, टीचर से बोले कि देख लीजिए भूकंप के झटके लग रहे हैं, टीचर ध्यान ही नहीं दिया, हम लोग भाग गए तब बाहर। तो आप लोग उस समय बाहर भाग के चले गए, तो आपके मन में एक डर सा बैठ गया क्योंकि भूकंप की तीव्रता जो काफी तेज थी। एक्चुअली हमारे कॉलेज का जो बिल्डिंग है वो बहुत हल्का है, कभी भी गिर सकता है। तो 1972 का कॉलेज बना है, अभी तक एक एक ईंटे की उसमें अभी आज तक बनावट नहीं हुई, तो हम लोग डर के भाग गए बाहर। अरे दिल्ली है जो ये एरिया एक्चुअली अर्थक्वेक का एरिया है, तो हम लोग सेफ तो नहीं है पता है, लेकिन पढ़ते क्या करें, कॉलेज की बिल्डिंग ऐसी है, पढ़ते। इस बारे में किसी से कंप्लेन करना जरूरी नहीं समझा कि कॉलेज की जब बिल्डिंग इतनी पुरानी। अभी इलेक्शन था, मैनिफेस्टो तो सब देख जाते हैं कि ये करवा देंगे वो करवा देंगे, होता कुछ नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जब भूकंप आया उस समय क्या सिचुएशन थी? सिचुएशन कोई नहीं थी, उतने अच्छे से पता नहीं चला जब हम लोग क्लास ले रहे थे। हाँ, तो आप इतनी अच्छे से महसूस नहीं कर पाए भूकंप के झटके, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा, प्रोजेक्टर हिलने लगा था तो पता चला कि भूकंप आ रहा है, बस मतलब तब उतना पता चला, मतलब उतना भी इंटेंस नहीं था, उतना इंटेंस नहीं था भूकंप। आपको दिखा रहे हैं कैसे जो है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सिमोलॉजी सेंटर के मुताबिक भूकंप के झटके दो बार महसूस किए गए। पहला झटका 2:25 पे महसूस किया गया जिसमें भूकंप की तीव्रता 4.6 रही। वही दूसरा झटका ठीक आधे घंटे बाद महसूस किया गया जिसमें भूकंप की तीव्रता 6.4 रही। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरह की सिचुएशन जो है 2:51 पर यहाँ बनी हुई थी। 2:51 पर भूकंप आया 6.4 की तीव्रता से, तो कैसा जो माहौल यहाँ पे बन गया था, कैसी सिचुएशन यहाँ पर हुई? झटके महसूस हुए थे, सामान हिल रहा था। तो सर क्या झटके काफी तेज महसूस हो रहे थे? नहीं, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं हुआ, मतलब पता चल रहा था कि हाँ भूकंप आया है। तो सर आपकी दुकान में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं। भूकंप झटके से आए थे तो मेरे तवा हलने लगा। अच्छा, हाँ जी। तो भैया का कहना कि जब भूकंप आया था तो भैया जब पराठे बना रहे थे तो इनका तवा भी हिलने लगा था, तो भूकंप की तीव्रता काफी तेज बताई जा रही है। 6.2 भूकंप की तीव्रता जो रही, नेपाल जो है भूकंप का केंद्र रहा। तो मैम जब 2:51 पर भूकंप का दूसरा झटका आया जिसकी तीव्रता 6.2 रही, तो कैसा माहौल आपके कॉलेज में बन गया था? सब डर चुके थे और हमें लगा कि हमारे दोस्त हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। वो भूकंप आया था, उसके कुछ मिनट बाद फिर हमें न्यूज़ आया कि वो भूकंप ही था। तो मैम जब भूकंप आया आप कहाँ बैठे हुए थे, खड़े हुए थे? हम लोग एक्चुअली लाइब्रेरी में थे। लाइब्रेरी में थे आप? हाँ। रीडिंग कर रहे थे मतलब, तो आपकी चेयर्स बेंचेस वगैरह हिलने लगे होंगे? हाँ। तो फिर मैम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि बच्चे भाग भाग के बाहर जा रहे हैं? कुछ बच्चे भागने लगे थे, बट हमने कहा कि अरे चला जाएगा, हम लोग डर तो गए थे एक्चुअली। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूकंप की तीव्रता जो है 2:51 पर 6.2 रही और नेपाल जो है भूकंप का केंद्र रहा। तो आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, कैमरामैन सूर्यांश के साथ मैं अंजलि राठी, टीवी 100 न्यूज़।